Hello students, welcome to Digimento Education. You know that we have started up with some series of some short stories, some motivational, some funny stories with you. बेसिकली इसका हमारा मकसद है, ये हमारी सीरीज़ उन लोगों के लिए है जो कि अभी न्यू लर्नर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है. उनके लिए एक शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होगी और साथ में आप नए नए वर्ड्स, नए वोकैबुलरीज रोज़ाना सीखेंगे. सो द स्टोरी फॉर टुडे इज़ वैल्यू. So once a popular speaker started off a seminar by holding up a 2000 bill, rupee bill. A crowd of 200 had gathered to hear him speak. He asked, "Who would like this 2000 rupee bill?" 200 hands went up. He said, "I am going to give this 2000 rupee bill to one of you, but first let me do this." देखिए, अभी आपने पढ़ा कि once a popular speaker started off a seminar by holding up a 2000 bill. Starting, अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको यहाँ कुछ words दिए हैं like bill. अब ये एक वर्ड ऐसा है जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा. रुपए के लिए बिल अक्सर हम कहते हैं कि होटल में बिल ले आना या खाने का बिल या आप कोई चीज़ लेते हैं तो बिल मिलता है आपको. बट एक्चुअली इंग्लिश में बिल वर्ड यूज़ किया जाता है किस लिए. देखिए, आप यहाँ मीनिंग देखेंगे, बिल का मतलब होता है बैंक नोट या जिसे हम करेंसी नोट कहते हैं. बैंक नोट मतलब जो आपको बैंक से मिलता है, और या जो बैंक का मतलब यहाँ पे रिजर्व बैंक की बात हो रही है, जो नोट्स छापता है आपको देता है. सो बैंक नोट के लिए भी हम बिल को यूज़ करते हैं एंड दिस इज़ अ प्योर इंग्लिश वर्ड. सो वंस अ पॉपुलर स्पीकर स्टार्टेड ऑफ अ सेमिनार बाय होल्डिंग अप अ 2000 रुपी बिल. यानी कि एक सेमिनार में एक बहुत ही पॉपुलर स्पीकर ने अपना सेमिनार को स्टार्ट किया किसके साथ, होल्डिंग अप. होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, राइट. होल्डिंग अप मतलब ऊपर उठाना एक बिल के साथ, 2000 रुपी के बिल के साथ. अ क्राउड ऑफ 200 हैड गैदर्ड टू हियर हिम स्पीक. वहाँ पर 200 लोग इकट्ठे हुए थे, गैदर्ड, राइट. सो एक गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना. वहाँ पर कितने लोग इकट्ठे हुए थे, 200 पीपल. अ क्राउड ऑफ 200 हैड गैदर्ड टू हियर हिम स्पीक. 200 लोग के करीब वहाँ पर उसे सुनने आए थे. ही आस्क्ड, उसने पूछा, हु वुड लाइक दिस 2000 रुपी बिल, कि किसको ये 2000 रुपए का बिल चाहिए. 200 हैंड्स वेंट अप. तकरीबन 200 के 200 हाथ जो हैं वो ऊपर उठ गए. हैंड्स वेंट अप, ऊपर चले गए. ही सेड, आई एम गोइंग टू गिव दिस रुपी 2000 टू वन ऑफ यू, बट फर्स्ट लेट मी डू दिस. उसने कहा, ये मैं तुमको दूंगा लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ और करने दो. लेट मी डू दिस, यू नो, कुछ और वो करने वाला है. देखें क्या करेगा. ही क्रम्पल द बिल अप. उसने उस ही क्रम्पल द बिल अप. ही देन आस्क्ड, हु स्टिल वॉन्ट्स इट. ऑल 200 हैंड्स वर स्टिल रेज्ड. वेल, ही रिप्लाइड, वॉट इफ आई डू दिस. देन ही ड्रॉप द बिल ऑन द ग्राउंड एंड स्टम्प्ड ऑन इट विद हिज शूज. सो देखे, ही क्रम्पल द बिल अप. सो एक वर्ड है हमारा क्रम्पल. क्रम्पल का मतलब होता है मरोड़ना. अब आपके हाथ में अगर कागज़ है और आपको गुस्सा आ रहा है तो कई बार आप उस कागज़ को ऐसे गुस्से में मरोड़ देते हैं, कुचल देते हैं, राइट. जब आप क्रम्पल का मतलब कुचलना भी होता है, मरोड़ना भी होता है, क्योंकि यहाँ हम पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल है हमारा या नोट है वो कागज़ से बना है, इसलिए हम उसे मरोड़ना कहते हैं.
So he crumpled the bill up, उसने उस बिल को मरोड़ दिया and then asked, फिर उसने पूछा who still wants it? अब किसको अब भी ये चाहिए है? All 200 hands were still raised. 200 के 200 हाथ फिर से खड़े हो गए. Raised. Raise का मतलब है खड़ा करना या ऊंचा उठाना. तो इन्होंने कहा 200 हाथ, 200 hands were still raised. तो raise का मतलब होता है खड़ा करना या ऊंचा उठाना. Well, he replied, what if I do this? उसने कहा कि अब क्या हो अगर मैं ये करूं? Then he dropped the bill on the ground and stomped on it with his shoes. अब उसने क्या किया? उस बिल को drop कर दिया. Drop मतलब गिरा दिया. कहाँ पर? On the ground and he stomped on it with his shoes. और उसने उस नोट को stomp किया. Stomp मतलब कुचलना. किसे? अपने जूतों से. अगर आप कोई चीज़ नीचे गिर गया और उसके ऊपर जूतों से आप कुचल रहे हैं तो उसको कहते हैं हम stomp. So he stomped the bill with his shoes. He picked it up and showed it to the crowd. The bill was all crumpled and dirty. Now who still wants it? All the hands still went up. My friends, I have just showed you a very important lesson. No matter what I did to the money, you still wanted it because it did not decrease in value. It is still worth rupees 2000. So let's do it now. He picked it up. उसने उसे उठाया जो उसने ज़मीन पर फेंका था नोट जिसको उसने stomp किया था. He picked it up. उसने उसे pick up किया and showed it to the crowd. और crowd को दिखाया. The bill was all crumpled and dirty. नोट पूरा कुचला हुआ था और बहुत गंदा था क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे जूतों के साथ चढ़ेंगे तो obviously that thing is going to be very dirty. Now who still wants it? अब भी अब किसको चाहिए? अब भी किसी को चाहिए क्या? All the hands still went up. और सारे के सारे हाथ जो थे वो फिर से ऊपर उठ गए. My friends, I have just shown you a very important lesson. उसने कहा कि दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन, एक लेसन का मतलब यहाँ पे पार्ट नहीं बट यहाँ पे लेसन का मतलब एक सीख दिया है. नो मैटर वॉट आई डिड टू द मनी यू स्टिल वॉन्टेड इट बिकॉज इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू इट इज स्टिल वर्थ 2000 रुपीज़. उसने कहा कि मैंने इस नोट के साथ कुछ भी किया, नो मैटर मीन्स कुछ भी किया हो, लेकिन आपको फिर भी ये पैसे चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसा करने से इसकी वैल्यू कम नहीं, वैल्यू मतलब उसका मूल्य या उसकी कीमत कम नहीं हुई है. इट इज़ स्टिल वर्थ 2000 रुपीज़. वर्थ का मतलब होता है बराबर मूल्य, मीन्स अभी भी चाहे वो नोट बिल्कुल, अगर आप मार्केट से बैंक से नोट लाते हैं और अगर उसकी एकदम कड़क नोट है तो भी आपको वो 2000 की कीमत का ही सामान ले सकते हैं, और अगर वो नोट बिल्कुल पुराना कुचला भी होगा तो भी आप 2000 का ही सामान मिलेगा. ये नहीं कि अगर वो नोट कुचला है तो आपका वो सामान जो आप ले रहे हैं उसकी वैल्यू 2000 की जगह आपको 1500 मिलेगा. नहीं, इट इज़ स्टिल वर्थ 2000 रुपीज़. सो फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी से क्या लेसन मिला? लेसन ये है दैट मेनी टाइम्स इन आर लाइफ life crumples us and grinds us into the dirt. We make bad decisions or deal with poor circumstances. We feel worthless, but no matter what has happened or what will happen, you will never lose your value. You are special. Don't ever forget it. Yani ki इससे हमें ये सीख मिलती है कि many times in our lives life crumples us and grinds us into the dirt. कई बार हमारी जिंदगियों में हमारी जो जिंदगी है वो हमें क्रम्पल करती है. क्रम्पल मतलब क्रम्पल हमने सीखा था मरोड़ना या कुचलना, कुचल देती है हमको. एंड ग्राइंड्स अस इनटू द डर्ट. ग्राइंड मतलब पीसना.
कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि ज़िंदगी आपको कुचल देती है और आपको पीस देती है, कहाँ पर, इन टू द डर्ट, गंदगी में, मिट्टी में, ज़मीन पर ला देती है. वी मेक बैड डिसीजंस और डील विद पुअर सर्कमस्टांसेस. कई बार हम बैड डिसीजंस यानी गलत फैसले ले लेते हैं, या हम डील करते हैं, निपटते हैं पुअर सर्कमस्टांसेस के साथ. सर्कमस्टांसेस मीन्स परिस्थितियाँ, हालात के साथ जब हम लड़ते हैं. वी फील वर्थलेस, हम कई बार अपने आप को वर्थलेस, वर्थलेस यानी कि बेकार, जिस मूल्यहीन, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो समझते. कई बार कहते हैं यार क्या है, मैं बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, बिल्कुल बेकार है, राइट. सो वी फील वर्थलेस, बट नो मैटर वॉट हैज़ हैपन्ड और वॉट विल हैपन, पर कुछ भी हो जाए, हुआ हो या कुछ भी हो, You will never lose your value. आप अपनी कीमत जो है, अपनी value जो है, वो कभी नहीं खोते. You are special. Don't ever forget it. इस बात को कभी मत भूलिए कि ज़िंदगी में आपको अगर तकलीफ़ें, आप ज़िंदगी की मुश्किलें अगर आपको कुचल देती हैं, अगर आपको मिट्टी में मिला भी देती हैं, हो सकता है आपके फैसले गलत हों या आपके हालात गलत हों, और उस समय आप ये सोचें कि यार मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, बट ऐसा नहीं होता. हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दिस वॉज आर स्टोरी फॉर टुडे, दैट इज़ वैल्यू. सी यू टुमारो विद सम अदर स्टोरी. थैंक यू.